उत्तर प्रदेश के जनपद शामली के कोतवाली कैराना में रोड किनारे खड़ी दो कारों के ऊपर ओवरलोडिंग गन्ने से भरे ट्रक के पलट जाने से दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनको नागरिकों और जेसीबी की मदद से निकाल सीएचसी में भर्ती कराया गया, जहां से दोनों की हालात को गंभीर देखते हुए जिला अस्पताल के लिए रेफर किया गया। लेकिन चौंकाने वाली बात तो यह है कि ओवरलोडिंग वाहन नो एंट्री में अक्सर प्रवेश कर जाते हैं, जिससे लोगों को जान माल का भारी नुकसान उठाना पड़ता है। पुलिस प्रशासन का इस ओर कोई ध्यान ही नहीं है। आपको बता दें कि कैराना में ओवरलोडिंग वाहन को लेकर कोई न कोई हादसा होता रहता है, जबकि नगर में बाईपास होते हुए भी ओवरलोडिंग वाहन आखिर मेन बाजार से होते हुए क्यों गुजरते हैं। वहीं हादसे के बाद सीओ राजेश कुमार तिवारी, कैराना एसडीएम दुष्यंत मौर्या, तहसीलदार अभयराज पांडे भी मौके पर मौजूद रहे। अब देखने वाली बात यह होगी कि प्रशासन ओवरलोडिंग वाहनों पर क्या कार्रवाई करता है। अभी गन्ने से लदी एक ट्रक जो है कैराना मार्केट में तहसील के सामने जो है वो पलट गई है। उसमें अभी सूचना अभी तक कोई हताहत नहीं हुआ है इसमें, और सारा सर्च ऑपरेशन कर लिया गया। सर्च में कोई भी बॉडी अभी प्राप्त नहीं हुई है और सब सेफ हैं। बाकी दो इंजर्ड थे, सूचना प्राप्त है, दोनों सेफ हैं। अभी आधे घंटे पहले 9:30 की घटना। अब इसके अभी तो गन्ने से लदी ट्रक थी, बाद में पता चलेगा अभी जांच होगी क्या उसमें कार्रवाई होगी। क्राइम स्टोरी के लिए उत्तर प्रदेश के शामली से संवाददाता फुरकान जंग की रिपोर्ट।